how many of you submitted their gigs on Fiverr.com? Fiverr पे कितने लोगों ने gigs बनाई और submit करवा दिए? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. बाकी लोगों ने भी बनाई थी। अल्टीमेटली ना आपको बनानी पड़ेगी क्योंकि आप इसमें फाइलें सबमिट करवाएंगे या इन केस आपके अटेंडेंस शो होती है तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, राइट। और लास्ट क्लास में कम से कम कोई 10 से 12 बच्चे ऐसे थे एंड दे आर स्टिल इंक्वायरिंग अस कि हमें सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिला। उसका रीज़न ये है कि आपको वो जो अपनी प्रोफाइल्स वगैरह सबमिट नहीं करवाते ना शीट पर, तो हम लोग आपने डेटा आगे कलेक्टिवली सेंड नहीं कर पाते, सही है। मार्केटिंग और इसमें एक बड़ा बेसिक सा स्ट्रक्चर है कि आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए ऐसे सर्विस पैसे कैसे कमा सकते हो। वन ऑफ द थिंग्स जो आपको पता है कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट एक फाइवर चार्ट फॉर्म में बड़ी एक्टिव चीज है। लाइक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट में तीन चीज़ें आती हैं। तो बात करते हैं ना कि अच्छा आई एम गोइंग टू मैनेज समथिंग, देयर इज समथिंग कि ओके मैं मैनेजमेंट में कर गया सकता हूँ कि आई कैन पोस्ट, राइट, आई कैन इंक्रीज देयर लाइक्स शेयर कमेंट या फॉलोअर्स, या लेट्स से फॉलोअर्स, ठीक है। या वी टॉक अबाउट कि व्हाट काइंड ऑफ how you can create content, like how you create जो पोस्ट कर रहे हैं आपने, जैसे कोई भी पिक्चर है वीडियो है आप कैसे क्रिएट करनी है, तो आप इसे पोस्ट करोगे, जैसे कोई भी फोटो है कोई भी वीडियो है या एनीथिंग एल्स जो आप इसे पोस्ट करवाना चाहते हो, इट मेक द कॉन्टेंट। देन वी कम्स ऑन टू पार्ट के आप किस तरह से अपने माइंड मैप क्रिएट कर सकते हो, जिसको कहते हैं कि प्रोसेस कैसे क्रिएट कर सकते हो, या वी कॉल्ड माइंड या हाउ यू कैन क्रिएट कैरेक्टर्स। अब फाइबर अपग्रेड में ना इसका बहुत काम है, इतना ज्यादा काम है ना कि लाइक डिटेल अगर मैं बात करूँ तो अपवर्ड पे हर 15 सेकंड के बाद ना एक नीचे जो पोस्ट होती है विच इज अबाउट सोशल मीडिया मार्केटिंग। फिर वो फिर टाइम के जब ना ऑर्गेनिक मार्केटिंग बड़ी एक्टिव, ऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या होता है कि यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग एंड यू आर गेटिंग रिजल्ट्स आउट, दिस इज कॉल्ड थिंग विदाउट पेइंग समथिंग, जो आपको रिजल्ट आते हैं उसको कहते हैं ऑर्गेनिक मीडिया या ऑर्गेनिक मार्केटिंग। अब एट द मोमेंट लाइक इन 21st सेंचुरी में सैचुरेशन इतनी ज़्यादा है, इतने ज़्यादा ऑनलाइन बिजनेसेस आ चुके हैं, तो हर बंदा कहता है कि मैं पेड मार्केटिंग की तरफ जाऊँ, लेकिन हम लोग ना पेड मार्केटिंग के लिए कभी नहीं आएंगे। You can have struck over the first, like how we can perform the management process. The laptop se nahi hota, ye iska kya naam hai? The laptop ki jo brightness aayi hai, iski projector bhi aa gaya hai. Right. So management something ki is proper management mein na aapko 4, 5, 6 cheezein karwa sakte hain. जो हम बात करते हैं ना, हम लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट है कि भाई मैंने सीखने आ रहा है जीरो स्टार में, और अगर सीखने भी आ रही हूँ कॉल्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग, नहीं सीखने आ रहा ऐसे ही। अब इस सोशल मीडिया मार्केटिंग के ना कुछ एस्पेक्ट्स हैं, ये कहता है कि सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि सोशल मीडिया अकाउंट्स Let's say it may be Facebook, Instagram, Pinterest, it may be Twitter, it may be Reddit, it may be Quora, but anything else, कोई popular platform, तो manage कैसे करते हैं? हम manage करते हैं कि what kind of content we can post.
attract your audience, how you can engage your audience, and how you can increase your followers. Right? This is called the management process. Now, we can say that one part of the career is called social media management. एक इसमें इसी को मैं कहता हूँ कि भी अच्छा जब जब मैनेज करना आ जाएगा ना तो मैंने अब इसको ना ऑप्टिमाइज करना है ऑप्टिमाइज कैसे करना है मैं एड्स चला के इसको ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ ठीक है उसको बेसिकली हम लोग कहते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन SMO ठीक है अब एक वो पार्ट है जिसमें कहते हैं कि अच्छा मुझे ऑप्टिमाइज करना आ गया मैंने ये सीखना है कि मैंने अपने कॉन्टेंट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है ठीक है विच इज कॉल्ड That's the basic part of it. Understanding about it, which is social media and how we can use it. So, whether you know, whether you use social media skills to market them, being a skills human, or being a human being, that you can do two things that you can ask for. The first thing I can do is, I should be, I'm getting information about my relevant things. The information might be, information ko kya hai? Abo do tarah ki information hai. Abo ek information ye hai. The first information we call interaction. Abo interaction kya hai? Tumhari dost ke saath interaction, tumhari kisi business ke saath interaction, tumhari kisi group ke saath interaction, tumhari kisi fan ke saath interaction. सेलेब्रिटी के साथ क्या है इसी पॉइंट वी कम्स अप इन इंफॉर्मेशन राइट सेकंड पॉइंट कम्स इन जिसके लिए मैं और आप सोशल मीडिया से बात करते हैं आप कहते हैं मुझे इंफॉर्मेशन के साथ मुझे एजुकेशन भी मिल रही है ऐसे ही मुझे एजुकेशन भी आ रही है उसके बाद आप कहते हो कि ओके इसके साथ साथ मैं इंटेन भी हो रहा हूँ मैं वीडियो देखता हूँ उसमें फनी वीडियो भी आती हैं उसमें इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी आती है अब ये जो इसको अगर हम लोग इसको जरूरी तौर पर बात करें ना कि सोशल मीडिया है क्या ये दो चीज़ों का दोनों है फर्स्ट थिंग इज इन्फो इन्फो एंड सेकेंड थिंग इज एंटरटेनमेंट सो आई वॉन्ट दिस इन्फोटेनमेंट कि वो चीज़ जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है और आपको एंटरटेनमेंट भी आ रही है बेसिकली इन्फोटेनमेंट अब टॉक अबाउट दिस इज ऑन द पर्सनल कैपेसिटी और इंडिविजुअल कैपेसिटी के अगर मुझे अपना सोशल मीडिया मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ ऐसे इंडिविजुअल तो मैं क्या करता हूँ मैं जवाब लोगों की पोस्टें देखता हूँ लाइक करता हूँ कमेंट करता हूँ शेयर कर देता हूँ या किसी को टैग कर देता हूँ वैसे नहीं करता हूँ अपनी कैपेसिटी पे बट वेन यू टॉक अबाउट द मार्केटिंग और मैनेजमेंट And how does it make more than that? You are going to represent your business on social media marketing or on social channels, right? अब ये जो marketing है ना basically जिसको हम लोग कहते हैं management या social media optimization, this is called कि you are setting up your business goal to promote or execute on social channels. अब वो social channels मेरे पास तीन चार पांच हैं जो कि मुझे पता है आप They are very active social channels जिसमें हम लोग और आप लोग काम करते हैं जिसमें हम लोग और आप लोग अपने अकाउंट बनाए बैठते हैं एंड सो ऑन अब मुझे और आपको पता है कि पहला जब नया मोबाइल फोन लेते हैं ना हम लोग जो पहली ऐप है ना वो हम लोग डाउनलोड करते हैं वो ऐप का नाम है फेसबुक ऐसे ही है दूसरी जो ऐप है ना हम लोग डाउनलोड करते हैं इट्स कॉल्ड इंस्टाग्राम यही है ना सारे आपके सोशल चैनल तीसरा आप कहते हैं ओके मैंने आजकल स्नैपचैट बड़ी एक्टिव है चौथा आप कहते हैं मैसेंजर बड़ा एक्टिव है पांचवा आप कह देते हैं कि अच्छा मैंने ट्विटर भी अपना डील कर लिया या मोस्टली लोग अगर ट्विटर पे नहीं जाते क्योंकि एक सब फैशन का और वहाँ पर ज़्यादातर लोग रीट्वीट कर रहे होते हैं या किसी फ्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं इससे ज़्यादा क्या आपने कह दिया क्योंकि कार्टून जिस पे आप कोई क्वेश्चन है आपका आप वो पूछ सकते हैं आपके डिस्कॉर्ड हो रहा उसके बाद एक कार्टून है जिस पे आप इस तरह से कोई सवाल है पूछ डिस्कॉर्ड पे भी तो इतनी ज़्यादा तकलीफ ना पड़े जब आप कोई भी काम बार बार शुरू करते हैं तब से आपने अपने दिमाग में अक्सर किया कि यू कैन स्टार्ट
बिजनेस, आप कारोबार, आप कारोबार कोई नहीं है, वो आपके क्लाइंट का है, वो आपका अपना है, कोई भी कारोबार है, लेट्स से मैंने कहा कि कोई आप कंपनी है बिजनेस कॉल्ड ए, तो एक कंपनी है बिजनेस कॉल्ड बी, और ये वाली जो बी वाली कंपनी है इसका कारोबार है बेसिकली बी टू बी है, और इस ए वाली का कारोबार है बी टू सी है, यहाँ पे एक चीज में ऐड करना भूल गया, बिजनेस कॉल्ड Facebook
and Instagram to manage or promote your own businesses, right? बेटा वो बेसिकली किसी भी वेबसाइट पे काम है ना, तो वो उस वेबसाइट का फेसबुक पेज चेक करता जाके, अकाउंट नहीं चेक करता, फेसबुक पेज जाके देखता ना ऐसे, क्योंकि आप ऐसे कारोबार जब रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो अकाउंट नहीं बनाते, आप पेज बनाते हैं। पेज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ आ कारोबार, आ बिजनेस, इट मे बी स्मॉल, इट मे बी मीडियम बिजनेस, ठीक है। सो हियर कम्स द कांसेप्ट कि आप और मैं फेसबुक पेज इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसका रीज़न क्या है और व्हाट आर द सॉल्यूशन बिहाइंड दिस। फेसबुक साइट के आज आज इटसेल्फ अ कम्युनिटी, और उस कम्युनिटी में एक सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा गेम है, एक जॉइंट है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि जब स्मार्टफोन हम लोग लेते हैं ना नया, या उसको दोबारा से सर्विस को री इंस्टॉल करते हैं, तो पहली चीज़ तो मेरे और आपके मन में यही आती है कि जैसा मैंने कौन कौन सी ऐप इंस्टॉल करते हैं, तीन चार पाँच छः ऐप आप अपने दिमाग में ले जाते हो, करके उसका पहले फेसबुक करना, फिर इंस्टाग्राम करना, फिर स्नैपचैट करना, ऐसे ही। अब ये बेजरूरी क्यों है, क्योंकि ये आपको बताता है कि ये वाली जो ऑडियंस है, ये वाले जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादातर लोग, ज़्यादा की इंफॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो फेसबुक साइट की आज इस पिक्सल कम्युनिटी, जिसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, देन दे हैव स्टोरीज, देन दे हैव पर्टिकुलर मोर प्लेटफॉर्म्स, ऑकुलस है, एंड देयर आर मल्टीपल चीजें जो भी फेसबुक ऑन करता है, और एक कम्युनिटी लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, व्हाट्सएप, जस्ट दिस, दैट्स इट, दैट्स वन कम्युनिटी। और कहते हैं लाइक अपनी रिसर्च के मुताबिक हम दे सेट कि हमारा एक प्लेटफॉर्म है ना 2.1 बिलियन एक्टिव कस्टमर्स, 2.1 बिलियन एक्टिव कस्टमर्स का मतलब ये है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इतने ज़्यादा लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, उनको इतने ज़्यादा लोगों को आप बड़ी इजीली टारगेट कर सकते हैं। लाइक पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में अगर 16 मिलियन एक्टिव कस्टमर्स हैं, इनको आप अपनी चीज़ें सेल कर सकते हैं। अगर आज में बैठा है बुकिंग बैठा है लाहौर में या दिल्ली में, आप उसको ऑनलाइन भेज सकते हो, फेसबुक पर भेज सकते हो, क्योंकि मार्केट साइज बहुत बड़ा है, ठीक है। तो जितनी बड़ी मार्केट होती है ना, जितनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, वहाँ पे आपकी चीज़ ज़्यादा बिकती है। इसलिए मैं और आप कहते हैं कि जैसे अगर हम शाहजहाँ मार्केट जाते हैं ना, या मिश्रा मार्केट जाते हैं, तो वहाँ पर कारोबार बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक भी ज़्यादा आती है ना, जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतने ज़्यादा माल बिकेगा। इंस्टाग्राम पर अराउंड अबाउट 500 मिलियन या तो 950 मिलियन पीपल ना रूटीन बेसिस पे दे पोस्ट देयर पिक्चर्स, वीडियोस एंड देयर स्टेटस। देन द पार्ट कम्स इन दिस कॉल्ड द फेसबुक साइट आई हैव थर्ड प्लेटफॉर्म दिस कॉल्ड ऑडियंस नेटवर्क। फेसबुक आप मोनेटाइजेशन भी ऑफर करता है, लेकिन दैट पार्ट विल कम लेटर ऑन। सो एज पर द मार्केटिंग सर्विस दे सेड कि 20% ऑफ द टाइम आपका जो रूटीन बेसिस का टाइम है ना 24 आवर्स में से 20% फेसबुक पे नहीं सुना, तो दैट्स ट्रू। हम लोग बार बार ओपन करते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं, बार बार देखते हैं कि किसने पिक्चर लाइक की है, किसने मेरी पिक्चर को शेयर किया है, किसने कमेंट किया है, तो हम लोग जब वीडियो देखते हैं, जब देखते रहते हैं, एक घंटा भी लग जाता है। तो एज पर रिसर्च में 20% टाइम आठ घंटे से रुक के आठ घंटे काम करते हैं, और आठ घंटे का बाकी टाइम होता है अपने माँ बाप को देख कर हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं, और रामबाग 6% ऑफ द टाइम जो है ना वो लोग वो आपको हम स्पेंड करते हैं इस पर, और रीडिंग आर्टिकल्स, वॉचिंग वीडियोज एंड दिस थिंग। सो यू कैन मैनेज योर सोशल मीडिया इन मैनी पर्टिकुलर वेज, लाइक फेसबुक इंस्टा साइड के मैं पूरा एक पूरी एक पूरे का पूरा प्लेटफॉर्म हूँ। अगर तुमने अपना कारोबार शुरू करना है फेसबुक पे, तुम अपनी पूरी पूरी शॉप क्रिएट कर सकते हो, उस शॉप पे तुम लाइक अपना पूरा पूरा अपनी एग्जिस्टेंस क्रिएट करो, अपना कवर फोटो लगाओ, अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाओ अपने कारोबार की, ठीक है, और लाइक अपना लोगो वगैरह जो भी है वो लगाओ, अपना पेज सेटअप करो, और उसको आप
मैनेज करना शुरू करो। मैनेज करने का मतलब ये है कि आप अपनी शॉप बना लो, और अगर आप कोई प्रोडक्ट में अच्छी इंटरेस्ट हुई आप शॉप भी कर सकते हो, आप उस पर अपने पूरे पूरे वो करना होता है और रिसोर्सिस में ला सकते हो। सो देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि आपको पहले अंडरस्टैंडिंग ये के बारे में होनी चाहिए कि फेसबुक पेज क्रिएट कैसे करते हैं। सबको पता है फेसबुक पेज क्रिएट कैसे करते हैं? सबको पता है, सारे जानते हैं। कोई ऐसा बंदा जिसको नहीं पता, अच्छी बात है, नहीं पता तो आप बताओ। फेसबुक पेज से तो क्रिएट करना करिए। सो देयर आर सम पेजेस जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़े जरूरी है, और जो आपको ये बेसिकली कॉन्सेप्ट देते हैं कि फेसबुक पेजेस चलते कैसे, उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप किस तरह से उनको मैनेज कर सकते हो। सो टेल मी व्हाट यू लाइक अबाउट दिस पेज। ये पेज क्या करता है? चलो मैं ये नहीं पूछता लाइक है करते हो आप इसके बारे में, आप क्या कॉन्सेप्ट है पेज क्या करता है? प्रोडक्ट सेल कर। Thank you.
और डिफरेंस क्या है पर्सनल प्रोफाइल में यूज होती है वो आपकी अपनी कैपेसिटी के लिए इस्तेमाल होती है अपने एक चैनल के लिए अपने यूजर और पेज जो है अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल होती है। तो इससे भी एक एक स्मॉल सी जो डेविएशन है या कुछ डिफरेंसिएशन कि आप अपना पेज क्रिएट कैसे करना है जब वो लॉग इन करें फेसबुक क्लिक करें टॉप बार तो मैन्यू पे क्लिक करो क्लिक करने के बाद उन्हें काम करो क्लिक ऑन क्रिएट अ पेज और वहाँ से आप पैसे आ गए ठीक है। कैटेगरी पे आने के बाद आप कैटेगरी यूज करोगे आप किस कैटेगरी में पेज क्रिएट करना वो क्रिएट करने के बाद आप तीसरा पर लिस्ट आते हैं लाइक आपको वेबसाइट चाहिए आपको ईमेल चाहिए लगाने के लिए आपको फोन नंबर चाहिए आप इन सारी चीज़ें नंबर पर आपने यूजर पे करके और आप उस पर चला आप प्रोफाइल पिक्चर सेट की आपने सो ऑन आप यूजर पे लगा दिया आपने कॉन्टैक्ट पे लगा दिया कि आइदर कि जो आप पेज पे आप मैसेज करें कॉल करें या व्हाट्सएप करें Facebook and Instagram. Right? So, here
spreads the concept or then we should be thinking. आप लोगों के सोशल मीडिया चैनल्स को मैनेज करने के लिए कंटेंट सप्लाई होता है जिस कॉल्ड मार्केट रूल। अब रूल क्या है उसकी वो आपको ये बताता है कि आप किस तरह से इस सारी चीज़ों को लाइक प्लान कर सकते हो, ठीक है, किस तरह से आपने इसको प्लान करना है, किस तरह से आपने इसको एग्जीक्यूट करवाना है, सही सीखो से। तो जिस तरह से सैचुरेशन इंक्रीज हो चुकी है ना सोशल चैनल्स के लिए, अगर वो फेसबुक है या इंस्टाग्राम है या प्लेटफॉर्म है, अब यहाँ पे होता है कि आप जो वीडियो देखते हैं आपको पहले चार पाँच छः से क्योंकि उस वीडियो का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है ना, वट इज अबाउट, आप क्या करते हो ना, सिंपली क्या करते हो, सिंपली स्क्रॉल अप, स्क्रॉल अप करते हो स्क्रीन, यू हैव अ लैक ऑफ इंटरेस्ट, ऑब्जेक्टिव डजंट मींस के अवेयरनेस इंस्पिरेशन या कन्वर्जन ही होता है, ऑब्जेक्टिव होता है
क्या स्मोकिंग रूम हंसता है, तो उसके बारे में क्या आप पोस्ट करते हैं? उसके बाद वंस कमिंग इज अ टीम एंड बस वंस कमिंग इज अ पोस्ट फॉर इट. फॉर मी क्या होता है, लाइक आर्डर ऑफ द वीडियो पोस्ट करोगे या पिक्चर पोस्ट करोगे, कोई फर्क नहीं. दिस इज बेसिकली कॉल्ड मेरा ना एक कंटेंट कैरेक्टर जो है वो सेट कर दोगे. ठीक है, वो सेट हो गया एंड दैट्स अबाउट कि आप जिस तरह से इस कैरेक्टर को आगे लेके चलना है, इस तरह से उसको लेना कैरेक्टर फाउंडर इस तरह से हम कैरेक्टर बनाते हैं. अब देन द पार्ट ऑफ द स्क्वाड इज बॉडीज. जब आप अपनी गोल को डिसाइड करते हो ना, फिर आप भी देखते हो कि मैंने जो अपने कंटेंट क्रिएट करना ना पोस्ट कैसे क्रिएट प्लान कर रहे ना ग्रुप की, तो उसके लिए मैंने किस ऑडियंस को टारगेट करना है, जैसे मैं तो मैंने फूड लवर्स को करना है या ट्रैवलर्स को करना है, सो और चीजें को भी करना है. हम लोग उनको दिमाग में लेके आते हैं और उनको देख कर कॉपी करते हैं. तो थर्ड थिंग जो काम कंसल इज कॉल्ड टेक्स्ट. आप सोशल मीडिया पे एज ए कॉपी राइटर काम कर सकते हो. जो टेक्स्ट देख रहे ना आपके ऊपर, इसको बेसिकली कहते हैं कॉपी राइटिंग. ठीक है, ये एक बड़ी मतलब बिजनेस काम है और जिसपे आप बड़े अच्छे तरह से कमा सकते हैं. आई विल बी योर सोशल मीडिया कॉपी राइटर, आई विल बी योर फेसबुक एड्स कॉपी राइटर. ठीक है, आप कॉपी राइटिंग कर सकते हैं. और टेक्स्ट बेसिकली ऑलवेज बी वेरी बेसिक, और टेक्स्ट बेसिकली लिखा भी जाता है ताकि आपके जो आपका लीडर है ना उसकी टेंशन को आप दूरी करा सकते हो. और यही सिंपल चीज अगर आप उसको देखोगे, और दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ रेडनेस पोस्ट, दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ प्रेजेंटेशन पोस्ट. टेक्स आप देख रहे हो किस तरह उन्होंने हम लोग उसका एक पिक्चर लगाई है, उसका टेक्स कैसे लिखा है. एग्जाम्पल्स का मतलब ये है कि जो आप लोग अपनी प्लानिंग करके जाओगे ना सोशल मीडिया, आप ये सारी चीज़ों के दिमाग में रखें. तीनों पोस्ट में देखोगे ना, तीनों पोस्टों का जो टेक्स्ट है इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. इसका मतलब क्या है कि तीनों पोस्ट में ना तीन डिफरेंट स्टोरीज के लिए बनाई गई. ओके, अंडरस्टैंड है ना? ये बड़ी बड़ी ये इस बड़ी सिंपल सी चीज है. और देन द पार्ट कम्स इन दैट फॉर यूजर्स. आप इस तरह के यूजर सेट करते हो. और यूजर्स का मतलब क्या है कि जैसे आप जब यू आर गोइंग टू क्रिएट अ पोस्ट जिसपे आपने कोई लव शो करना है, आर्मी शो करनी है, तो यू गो फॉर ब्रांड. अगर यू गो फॉर अगर टू इफ इट समथिंग अ स्पोर्ट्स ब्रांड और इफ इट समथिंग एक्टिव वेयर ब्रांड, तो उसके आप ग्रीन कलर्स पे जाते हो, उसका ये प्रो शो करेंगे. अगर डॉक्टर है तो अपनी रिप्रेजेंटेशन शो करें. कलर्स का मतलब है, कलर्स का मतलब होता है कि आपका जो ब्रांड के कलर्स है ना, और उनकी पोस्ट में उनकी रिप्रेजेंटेशन शो करें. जैसे जिस तरह फेसबुक का कलर है वाइट एंड ब्लू, तो आप उनकी कोई भी वीडियोज या पोस्ट देखोगे ना, इट इज ऑलवेज द ब्लू एंड वाइट. ठीक है, तो आपके कलर्स में आपके ब्रांड की रिप्रेजेंटेशन बड़ी जरूरी है. देन यू हैव यू ना मेक इट कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट, दैट मींस कि आप जितनी अपनी अच्छी पोस्ट बनाओगे. ये वाला टेक्स्ट इसलिए कि पिक्चर पूरा नहीं आ रहा है इस मोबाइल पर, क्योंकि टेक्स्ट काफ़ी लेंथी है. आप उनकी कॉपी राइटिंग कितनी लिखनी है, लाइक कितने वर्ड्स लिखनी है जिनके आपके मोबाइल फोन पे कंप्लीट पास करें. कॉपी राइटिंग करते हुए ना एक चीज़ का ख्याल भी रखते हैं हम लोग, ये वर्ड का मतलब यही है. कैन यू जस्ट लाइक रीड दैट वर्ड? स्पेलिंग. स्पेलिंग का मतलब है कि डू नॉट मेक इट ग्रामेटिकल राइट. देन यू कैन सी रेफरेंट, यू कैन सी विजुअल्स. विजुअल्स को आप क्रिएट करो, पिक्चर्स क्रिएट करो अपने सोशल मीडिया पे की, तो आपके पास इतने टूल्स अवेलेबल है. यू कैन यूज सोशल चैनल, यू कैन यूज कैनवा, यू कैन यूज स्नैपचैट, यू कैन यूज बफर, यू कैन यूज टूल्स. आपको मार्केट में इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म यूज है कि आपको अपना फ्री में कॉन्टेंट की प्रोवाइड करते हैं. आपने कॉन्टेंट क्रिएट करना है, सबसे पहला जो काम आपने फोकस रखना है, तो फोकस करते हैं आपकी अपनी क्वालिटी. क्वालिटी पर फोकस इसलिए करना होता है कि जब भी आप अपनी इमेज क्रिएट करो, उसको ये सोच के क्रिएट करो कि वो इट हैज़ टू बी गुड इन रेजोल्यूशन,
साफ हो, क्वालिटी बेहतर हो और किसी भी मोबाइल डिवाइस पे इजी भी व्यू हो जाए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका जो यूजर है ना उसके पास 2G है, एक के पास 4G है और आप जब इस पिक्चर को खोल रहे हो अपने पास आपके पास LTE कनेक्शन है, राइट? देयर इज अ डिफरेंस। सो आप भी वेब ऑप्टिमाइज यूजर्स की लेते हैं, वेब ऑप्टिमाइज यूजर्स क्या होती है, आप स्नैप आउट जाओ, स्नैप आपको बताता है कि आप कहीं सेव करते हैं ना तो आप पूछता है कि वेब ऑप्टिमाइज, तो आप पूछते वेब ऑप्टिमाइज पूछते हैं। और क्या करोगे स्टोर्स क्रिएट करने के बाद आप अपने
आज दिन में आपके शुरू की फिर वो ग्राफिक्स पे या वर्डप्रेस पे या आपको बड़ा अच्छा एक टूल है जिससे पैसे भी कमाएंगे कॉल्ड शॉपिफाई राइट। इनमें हम लोग की क्या मिलेंगे स्टोर्स पे फिर हम लोग अपनी कारोबार को यूज करेंगे सोशल मीडिया पे उससे पैसे कमाएंगे और टैक्स सर्विस भी हम चार्ज कर सकते हैं और जो क्वेश्चन है तो जरूर।